सुल्तान की खिदमत में एलची रवाना किए। वो जिस कदर जल्द मुमकिन हो उस खतरे का सामना करने के लिए आई। सुल्तान अपनी खलवत से बाहर आया और सलीबी खतरे के खिलाफ उस्मानी फौजों की खुद क़यादत करने के लिए चल दिया। सुल्तान ने जनेवा के बहरी बेरा के साथ एक माहिदा किया कि वो उस्मानी लश्कर के 40,000 फौजियों को एशिया से यूरोप के उन इलाकों में पहुँचाए जो सलीबी बेड़े की नज़र में ही। एक फौजी के बदले उस्मानी सल्तनत से उसे एक दिनार देगी। सुल्तान मुराद बड़ी सरहद के साथ चला और उसी दिन एड्रियानोपल पहुँचा जिस दिन सलीबी फौजें यहाँ पहुँची थी। दूसरे दिन दोनों फौजें नसरानी और मुसलमान के दरमियान जंग हुई। जोर कारण पड़ा और दोनों फौजों ने अपनी बहादुरी के खूब जौहर दिखाए। सुल्तान मुराद ने उस अहदनामे को जिसे नसरानियों ने तोड़ा था मेज़े की अनी पर बांधकर बुलंद किया ताकि वो उसे देखेंगे और ज़मीन व आसमान उसे उस वादा खिलाफी और दुश्मनी का मुशाहिदा करें और इसलिए ताकि इस्लामी फौज का जज्बा जिहाद बुलंद हो। दोनों फौजों ने तलवार जनी और तेज और तीरा फेंकी के खूब जौहर दिखाए। मरकाए काजार खूब गर्म हुआ। करीब था कि नसरानी फौजों को अपनी दीनी गैरत और कमाल जोश व जज्बा की बदौलत कामयाबी होती, मगर मुसलमानों की जिहादी और रूह के